हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्मोक रीडिंग। इसमें देखने वाले हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आपके पर्सन और आपकी एनर्जी चेक करेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स दे रहा है और आप क्या चाहते हैं और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, वो हम देखेंगे। और ये थर्ड पार्टी रीडिंग होगी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए रीडिंग करना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो प्रेयर मैंने कर ली है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस की आपकी दिले तमन्ना है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि आप स्टक हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ को आगे लीड नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। किसी चीज़ का गम हो सकता है ये, चाहे जॉब करियर का हो सकता है, चाहे कोई रिलेशनशिप का हो सकता है, पार्टनर का हो सकता है, किसी भी तरह का जो है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई गम है आपको जो खाए जा रहा है। आप बहुत प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुझे फील हो रहे हैं। ये आपको फाइनेंशियली भी हो सकती है परेशानी, ठीक है, या इमोशनली भी आप परेशान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और मेरी रीडिंग सभी के लिए होती है, मेल फीमेल कोई भी हो। मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रीड करना होता है, ना कि कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग होती है। तो आप बुरा ना माने, क्योंकि कुछ मेरे जो है व्यूवर्स कहते हैं कि आप सिर्फ फीमेल के लिए करते हैं रीडिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दोनों के लिए ही मैं रीडिंग करती हूँ, आप उस सेंस में उसको समझ लिया करें, क्योंकि मैं फीमेल हूँ इसकी वजह से जो है मैं इस तरह से बोलती हूँ। वैसे भी मैं बीच बीच में बोलती रहती हूँ, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है और ये जनरल रीडिंग है, इसलिए जितनी रेजोनेट है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि गाइस कि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो, आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, आपका अपना घर आपको मिले, आपका परिवार मिले, आपको प्यार मिले, आपको फाइनेंशली जो है स्टेबिलिटी मिले। आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं और चाहते भी हैं, क्योंकि आप भी अपना एफर्ट्स लगाते रहते हैं, आपने 100% दिया है अपने इस रिलेशनशिप में। तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही गाइस कि अभी भी आप यही चाहते हैं कि मुझे वो मिले जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करें, आपके पार्टनर की फैमिली आपको सपोर्ट करें। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा भी यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि गाइस कि आप एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने कमिटमेंट तो कभी आपको दिया ही नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन टैरो रीडिंग है ये, तो मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपकी दिले तमन्ना है कि आपके पर्सन जो है वो आपको कमिटमेंट दे। सॉलिड कमिटमेंट आपकी जो है इच्छा है, और लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रखा जाता है, आपको मीठी मीठी गोलियां दी जाती हैं कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, आपके साथ में सब कुछ अच्छा होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सुनते सुनते आपको काफ़ी साल हो गए हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का लंबे टाइम पीरियड से नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और नो कम्युनिकेशन जोन भी चल रहा है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं गाइस कि आप लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हो और अदर सिटी या अदर कंट्री रहते हो। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है गाइस कि आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाई हैं अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, लेकिन आपके एफर्ट्स जो हैं वो उतने कामयाब नहीं हुए, उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितना कि आप डिजर्व करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही है गाइस कि आप बहुत दुख में रहते हैं, बहुत पेन में रहते हैं, बहुत टेंशन लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता खाई जाती है आपको अंदर ही अंदर कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में क्यों नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन की फैमिली आपको बिल्कुल भी जो है लाइक नहीं करती है। आप एक कास्ट रिलीजन इश्यू हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या आपने जो है उनकी मर्जी से शादी नहीं की, ठीक है, आप लोगों ने लव मैरिज की है, ऐसा भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि आप लोग जो हैं एक दूसरे को चाहते तो हैं, लेकिन अचानक से आपकी सिचुएशन टर्न हो गई, आपको समझ में नहीं आया कि ये पर्सन जो मुझे लाइक करता था ये अचानक से कैसे बदल गया। सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ मिस्ट्री लग रही है आपको अपनी लाइफ, आपको लगता है कि ये लाइफ जो है मेरे लिए मिस्ट्री बन गई है, कुछ समझ नहीं आता कि इसमें चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता कि इसमें आगे क्या करना है,
क्या एक्शन लेना है कुछ समझ नहीं आता है। एक पल में सिचुएशन बेटर दिखती है, दूसरे पल में सिचुएशन बिगड़ जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। आप एक टाइम तो ये सोचते हैं कि हाँ अभी मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, दूसरे ही पल आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी चल रहा है, आपकी लाइफ में आपके पर्सन कुछ लोगों के तो ऑन ऑफ रहते हैं और कुछ लोगों के नो कॉन्टेक्ट भी चल रहा है। आपके पर्सन जो ऑन ऑफ रहते हैं वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि गाइस की वो थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी पर रखती हैं, हर चीज़ में थर्ड पार्टी प्रियोरिटी है उनकी, चाहे आप माने या ना माने, चाहे आप चाहे जख मार लें, चाहे सर पटक लें, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी उनकी प्रियोरिटी है और वो रहेगी। जब तक वो खुद उसमें से नहीं निकलेंगे तब तक वो उनकी प्रियोरिटी रहेगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो आपको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए ऐसा कह भी दें कि नहीं मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो बात ही नहीं करता हूँ। हाँ जाने से क्या होता है कि मैं बात ही नहीं करता हूँ, उनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता हूँ, तो इस तरह से शायद आपके पर्सन मीठी मीठी गोलियाँ आपकी तरफ जो है वो आपको दे सकती हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस की। आप ये कहते हैं कि मैं जो है खुशियाँ डिजर्व करता हूँ या खुशी डिजर्व करती हूँ, लेकिन आपको मिलती नहीं है, ठीक है, तो आप तंग आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो भगवान से आप यही प्रे करते हैं कि भगवान मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अपनी बात को मनवाना है, मुझे ये लड़ाई जीतनी है, चाहे बाय हुक बाय क्रुक किसी तरह से भी। आपके मन में कभी कभी ये ख्याल भी आता है, आपको लगता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, तो सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, कभी कभी कभार जो है उसको आजमा करके भी देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद ही आपको ऐसा फील होता है कि सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा आपकी लाइफ में कई बार हुआ है, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स का आपने सामना किया है, बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं आपके पर्सन और उनके फैमिली मेम्बर्स ने, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, आपको बहुत कर्मा दिए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा कर्मा दिए हैं, जिससे आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी बहुत फैड अप हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मल्टीपल साइकिल्स आपकी लाइफ में चलती हैं, कभी कोई पर्सन सिर उठाता है, कभी कोई उठाता है, कभी आपको जॉब करियर में दिक्कत होती है, कभी आपके जो है पार्टनर से दिक्कत होती है, कभी उनकी फैमिली से दिक्कत होती है, कभी आसपास के लोगों से दिक्कत होती है, कभी आपके बच्चों से दिक्कत होती है आपको, क्योंकि मल्टीपल साइकिल चल रही है आपकी, ठीक है। जब एक से थोड़ा सा शांति मिलती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरे से थोड़ी शांति मिलती है तीसरी शुरू हो जाती है, इस तरह की साइकिलें आपकी लाइफ में चल रही हैं। ये सब आपके कर्मा है, इसी वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, अब किसने देखा है कि पिछले जन्मों में क्या क्या करके आए हैं, पता नहीं किस किस जन्म का फल किस जन्म में भोगना पड़ जाए, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए आप मेरी बात को ज़्यादा सीरियस लेकर के अपने दिल पर मत लिया करें गाइस, क्योंकि हमने भी नहीं पता कि कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्मों में हमने कितने बुरे बुरे कर्म किए हैं, पता भी नहीं चलता, इंसान को महसूस नहीं होता। जब उसके पास पैसे होते हैं तो वो इंसान सामने वाला जो है वो ये सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जिसको नीचा दिखाना हो दिखा सकता हूँ। अब किसी का जो है दिल दुखता है, किसी की आत्मा दुखी होती है, तो फिर वो कर्मा बन जाता है। अगर छोटी सी बात को ही लेकर के अगर किसी का दिल दुखी होता है तो भी वो कर्मा बन जाता है, क्योंकि उसको वो हर्ट कर गई बात अंदर से, और फिर बार बार वो पर्सन उसी को याद करता रहता है, याद करता रहता है, और मौका पड़ने पर किसी न किसी जन्म में वो आपसे बदला जरूर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी मुझे यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में कर्मा चल रही हैं और मल्टीपल साइकिल्स चल रही हैं, आप इनको डील करते करते फेड अप हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ एक दिन खत्म क्यों ना हो जाए, ठीक है, भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता है, इस तरह की भी बातें आप कई बार सोच लेते हैं कि बस अब मुझे जिंदगी नहीं जीनी, लेकिन ऐसे छुटकारा पाने से तो फिर नेक्स्ट जन्म में मिलेगा आपको। इससे बेटर है कि जितना झेल लिया वो ठीक है और आगे थोड़ा बहुत जितना बचा है उतना और झेल ले, वो सबसे अच्छी बात है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है गाइस कि मंगल का इफेक्ट भी ज्यादा आ रहा हो, आपके सेवंथ हाउस में या आपके पर्सन के सेवंथ हाउस में मंगल हो तो भी दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि मंगल क्या करता है, सेपरेशन करवाता है और काफी एनर्जेटिक रहता है मंगल, तो एक पर्सन काफी एनर्जेटिक फील करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंग सारे काम चाहिए, दूसरा पर्सन जो है लेजी टाइप का रहेगा तो वो उसकी बात को समझ नहीं पाएगा, तब वो सामने वाला ये सोचेगा कि भाई इसके अंदर ईगो आ रही है, बस ये तो अपने आप को ही ज्यादा समझता है, बस ये अपने आप को प्रायोरिटी देता है और किसी को कुछ समझता ही नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस की आप अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते भी हैं,
सोचते, एक पल तो सोचते कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, चलो मैं झुक जाता हूँ या झुक जाती हूँ, दूसरे पल में फिर क्या होता है, 2-4 दिन 10 दिन निकलेंगे, महीना 20 दिन मुश्किल पहुंचता है, और फिर आपकी लाइफ में फिर से वही दिक्कतें आ जाती हैं जो पहले चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, तू तू मैं, फिर दोनों पार्टनर का दिल टूटता है, फिर थोड़ा टाइम बोलना बंद कर देंगे, ठीक है, या सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है, आप चाहते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छा मिले, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आपकी जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है ना, वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, थोड़ा सा जो हवा का झोंका आएगा तभी वो गिर जाती है, इसलिए फाउंडेशन को भी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, बैलेंस नहीं बनता है, बैलेंस बनाने की कोशिश तो करते हैं दोनों पार्टनर, लेकिन बैलेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन तो बैलेंस इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और आप बैलेंस इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आपका पास्ट जो है आपके ऊपर हावी हो जाता है कि पास्ट मेरे साथ उसने ये किया था, मेरे साथ उसने वो किया था, इस तरह से जो है आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आ रहा है, और बैलेंस ना आने की वजह से भी दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं। इससे क्या होता है कि हारमनी नहीं आती है। अभी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपने शायद कुछ दिन पहले आपके पर्सन को आपने कह दिया हो कि भाई बस अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ या मूव ऑन करना चाहती हूँ, मुझे अब नहीं रहना है सिचुएशन में, मुझे तो अब विक्ट्री चाहिए, तो चाहिए अब मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ वैसे ही होना चाहिए, तब तो ठीक है, वरना मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है, सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और इसकी वजह से आप काफी जो है अपने आप को ड्रेन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सारा दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट रहा है, आप फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और बन नहीं पा रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस, फिर उदास हो जाती हैं, बहुत सैड की एनर्जी में चले जाती हैं, लेकिन आप मन ही मन ये सोचते हैं कि मुझे तो विक्ट्री चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे तो सब कुछ चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए और आपको अपना घर भी चाहिए, ठीक है, और लोग मुझे एक्सेप्ट करें, ऐसा भी आप चाहते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करें, मेरे पार्टनर की फैमिली मुझे एक्सेप्ट करें, इस तरह की भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पर सिचुएशन फील हो रही है। अब मैं आपके पर्सन के बारे में देखूं, फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके लिए क्या करना जरूरी है, आपके लिए क्या एडवाइस दी जा रही है, वो भी हम देखेंगे। देखिए, आपके पर्सन की पहले मैं एनर्जी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद में आपके लिए क्या एडवाइस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी मिली है कि भाई अब रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता अगर मैंने एफर्ट्स नहीं लगाया तो, अगर मैंने स्टेप आगे नहीं लिया तो ये रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी मिल रही है मुझे, ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि कुछ टुकड़े डाले जाएं, अब बुरा मत मानना, पता नहीं मुझे ये वर्ड कभी कभी आ जाता है मेरी जबान पर कि कुछ टुकड़े डाले जाएं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं कि ताकि ये बना रहे और लोगों में भी मेरी इज्जत बनी रहे, हमारे परिवार की इज्जत बनी रहे, तो क्यों ना कुछ टुकड़े डाले जाएं, क्यों ना कुछ फाइनेंशियली उसको हेल्प करा जाए, क्यों ना उसको जो है रोक कर रखा जाए, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा आपके पर्सन अपनी फैमिली से बात कर रही हैं, और काफी प्रे भी कर रहे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए ताकि हमारी बेइज्जती और ना हो, क्योंकि काफी बेइज्जती हो चुकी है आपके पर्सन की और उनकी फैमिली की, इसलिए वो बार बार यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, और आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश में सोच रहे हैं कि भाई मुझे बैलेंस बनाया जाए, और बैलेंस तभी होगा क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन दिए जा रहा है और एक पर्सन उसको लिए जा रहा है, ठीक है, एक तो भिखारियों की तरह भीख मांगे जा रहा है, दूसरा दिए जा रहा है, उसको दिए जा रहा है, उसके तो पिटारा कभी भरता ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं कुआ है कि क्या है, राम जाने। तो यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन इमोशनली भी आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली भी जो है वीक कर रहे हैं, क्योंकि आप फाइनेंस दी जा रही हैं और आपके पर्सन ली जा रही हैं, चाहे किसी भी तरह से ले लीजिए, चाहे आप अपने फैमिली में खर्च करते हैं, चाहे कैसे भी करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है गाइस कि आप अपना खर्चा खुद चला रहे हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी वाइब्स आ रही है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बना करके चला जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर बैलेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन ऐसा आपके सामने बात को रख सकते हैं कि मैं अब आपको हेल्प करूंगा, ठीक है, अब मैं सब कुछ ठीक करूंगा, आपके पर्सन जो हैं इस सिचुएशन पर विक्ट्री चाहती हैं, और इधर आप भी चाहती हैं कि मुझे भी सक्सेस मिले, जो मैं ठान कर चल रहा हूँ कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे जो है इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल तक इसको ले जाना है, लोग भी मुझे जाने, लोग मुझे जो है
घर वाले जो लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है, और आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट करें, आपके पर्सन को ये तो पता है, आपके पर्सन ने शायद पहले कह दिया हो कि मेरी बला से तुम कहीं जाओ और तुम्हारी बला से मैं कहीं जाऊं, तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, शायद ऐसा कुछ कह दिया हो। तो आप अभी उस बात को पकड़ कर बैठे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपके पर्सन को ये सब समझ में आता है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं अपने हर्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, अगर थर्ड पार्टी मेरी लाइफ से चली गई तो फिर मुझे कोई ठिकाना नहीं नज़र आ रहा है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं वो दोनों नाव में, मैंने पहले भी बताया कि आपके पर्सन दोनों नाव में पाँव रख करके चलना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को किसी तरह से बनाया जाए, जैसे अभी तक वो करते आ रहे हैं, टुकड़े डालते आ रही हैं, या फिर थोड़ा सा हेल्प कर देती हैं, प्यार से बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर जो है जो भी एफर्ट्स लगाते हैं वो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहते हैं, सिर्फ वो चिकनी चुपड़ी बातें बना करके जैसा आप चाहते हैं वैसा बनकर आ सकते हैं, वैसा आपको दिखा सकते हैं कि मैं तो बदल गया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है, पास्ट को याद करके बैठे हैं कि पास्ट में इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, दोनों ही पार्टनर पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं गाइस कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ में हॉट टॉक्स करेंगे, आप उनके साथ झगड़ा करेंगे, ठीक है, और आपके पर्सन आपको आसानी से बहला फुसलाने की कोशिश करेंगे कि मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, किसी भी तरह से हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे सपोज करें अगर आपके पर्सन फीमेल हैं तो कह सकती हैं कि अब से मैं सब कुछ करूंगी, आपके फैमिली को भी संभालूंगी, आपके बच्चे भी संभालूंगी, है ना, इस तरह से। तो हो सकता है कि वो अकेले पड़ गई हों और उनको लगता हो कि आगे तो मेरा फ्यूचर ख़राब है, क्योंकि मेरा पार्टनर तो मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, वो किसी से शादी ना कर ले, वो किसी से कमिटेड ना हो जाए, उसको ये भी खतरा है, उसको आपको रोक कर रखना है कि किसी तरह से आप रोक रोक करके आपको रखें और आपको दुखी करते रहें, आपको परेशान करते रहें, ठीक है। इस तरह की भी मुझे यहाँ पर जो है सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं गाइस कि हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया हो आपको, ठीक है, लेकिन वो झूठा प्यार दिखा सकती हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि भाई हम तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, फिर नाराज़गी किस बात की, हम लोगों को तो ज़िंदगी जीनी ही है भाई, हमने तो शादी की है, हम तो अच्छे दोस्त हैं, किसी तरह से वो आपसे बात कर सकते हैं कि भाई मुझे अब की बार मौका दे दीजिए, सेकेंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, जितने भी चांस आपने अभी तक उनको दिए हैं, एक और चांस मांगना चाहते हैं कि भाई मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, आराम से खाओ पियो ऐस मारो, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो वो बोलेंगे कि भाई अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अब तो मैं आ गई ना, अब तो सब कुछ ठीक कर दूंगी, ठीक है, अब तो हम सब मिल करके आगे चलेंगी, खुशी खुशी जीवन जिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मौजूद है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अदर पर्सन भी हो सकता है। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहती हूँ गाइस कि ये पर्सन जो है ना, ये थर्ड पार्टी से कुछ बेनिफिट लेता है, आपका पार्टनर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी से कुछ बेनिफिट लेता है, इसकी वजह से आप लोगों को जो है इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके पर्सन झूठा प्यार का दिखावा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए बोल सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, कि भाई चलो ठीक है मैं, या किसी भी तरह की हेल्प आपको कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हम दोनों का प्यार तो हमेशा से ही बरकरार है, हम तो हमेशा जो है एक साथ जन्म लेते रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपके पर्सन आपसे कर सकते हैं और लिप ऑफ फेथ लेने की भी बोल सकते हैं कि भाई अब की बार मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खाओ पियो मौज करो, ठीक है। इस तरह से भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। तो हो सकता है कि और कुछ लोगों के लिए बिजनेस डील भी आ सकती है, कुछ बिजनेस के लिए कोई ऑफर दे सकता है कि भाई आप जो है हमारे साथ काम कर लीजिए, ठीक है, किसी के साथ में आप फ्रेंड वगैरह के साथ में जो है आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैं मैसेज देख रही हूँ अभी कि आपके लिए जो है अगर आप मैरिज करना चाहती हैं उस पर्सन को छोड़ करके तो आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका एक्स पार्टनर आपसे चांस ले सकता है,
सेकंड चांस, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है लालची है, बहुत ज्यादा लालची है। ये आपके लिए कुछ खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन छोड़ छोड़ करके भागता होगा आपको। तो इसके चांसेस ज्यादा मुझे फील हो रहे हैं कि जिस चीज को आप चाहते हैं ना, उसमें तो अभी मुझे कोई यस नहीं नजर आ रहा है। आपके पर्सन जो हैं वो अभी जैसा आप चाहते हैं वैसे एनर्जी में नहीं है। अभी उनको थर्ड पार्टी का भूत सवार है। अभी किसी की भी रीडिंग हो सकती है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आउट हो गई है जो इतना इनिशिएटिव नहीं लेती है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में दोबारा से थर्ड पार्टी सर उठा रही है, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ का नजर आ रहा है कि दोबारा से थर्ड पार्टी सर उठा रही है, और थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के कंधे पर रख कर के बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। आपकी तरफ कोई जो है ऐसा आपको लालच दे सकते हैं कि भाई आप अपना घर चेंज कर लीजिए, जहां पर आप रहते हैं वहां से आप हमारे पास आ जाइए। आपको झूठा लालच दिया जा सकता है, थोड़े दिन के लिए आपको रखें, फिर से आपके साथ में वही बिहेव करें, क्योंकि कर्मा मिलना है आपको उनकी तरफ से। वो कर्मा देना चाहते हैं आपको, तंग करना चाहते हैं, या फिर देखना चाहते हैं कि आप कितने लालची हैं। आपको घर चाहिए या पैसा चाहिए, क्या चाहिए आपको, किस वजह से आप लोग लड़ाई करते हैं। तो आपको देखते हैं कि आप उनसे लड़ाई करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि कुछ लोग जेलेसी रखते हैं आपसे, और आपके आसपास के कुछ लोग हैं जो आपसे काफी जेलेसी रखते हैं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं इनमें, और उनके फैमिली मेंबर्स या आसपास के लोग भी हैं जो आपसे काफी जेलेसी रखते हैं। कुछ लोगों के लिए तो वर्क प्लेस पर भी काफी जेलेसी रखते हैं, बिजनेस या कोई जॉब करते हैं तो उसमें भी आपके आसपास के लोग, आपसे कनेक्ट जो लोग हैं वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कुछ लोगों की तो हो सकता है वो भी आपसे जेलेसी रखते हैं कि भाई ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फाइनेंस आता हुआ फील हो रहा है, कि हो सकता है कि आपके पर्सन, मैंने बताया कि हो सकता है आपके पर्सन आपको फाइनेंसली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है गाइस कि कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है, कोई जो है पार्टनरशिप में काम करना चाहता है आपके साथ में, या फिर कोई जॉब ऑफर आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, ठीक है, या फिर फायर साइन हो सकता है जो आपको हेल्प करने की सोचे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, या फिर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से हो सकता है कोई, जो कोई काफी यंग है, जो हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा भी यहाँ पर वाइब्स आ रही है गाइस कि अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में तो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली आपको हेल्प करें, और फिर चाहे कहीं भी जाए आपकी भला से, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आप इनसे हेल्प लेना चाहते तो ले भी सकते हैं। अगर कुछ लोग अपने उस पर दृढ़ निश्चय पे खड़े हैं कि भाई नहीं, मुझे तो कंप्लीट जो है इसमें चेंज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इस पर्सन में, और सिचुएशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जैसी सिचुएशन चली आ रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसा नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है तो आप डटे रहिए, ठीक है, फिर अच्छा चेंज आएगा आपके लिए। अगर आपको हेल्प ही चाहिए इस पर्सन से, और फिर ये पर्सन कहीं जाए, तो आप इससे हेल्प ले भी सकते हैं। दोनों तरह की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि गाइस कि आपके पर्सन हो सकता है कि ये कहें कि भाई मैं अभी हारमनी लाना चाहता हूँ, पीस लाना चाहता हूँ, अब हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो भगवान भी आपको ये तो कहना चाह रहा है कि भाई हाँ, धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होगी, एक दिन में चेंज नहीं होगी। अगर आप ये सोचे कि 2-4-10 दिन में या 1-2 दिन में आपके पार्टनर आए, या 15-10-15 दिन में, तो वो आपके लिए जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर दें, वो खुद भी चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है गाइस कि कुछ टाइम पीरियड लगेगा। अभी जो है, अभी फिलहाल अगर आप 2-4 दिन में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर वाइब्स नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि जीत आपकी होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना है। ज्यादा रोका टोकी नहीं करना, ज्यादा किसी के साथ में हॉट टॉक्स नहीं करना है, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, ज्यादा टोका टाकी किसी को नहीं करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप अपनी फैमिली में भी, जो अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ भी, अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अप्रैल मंथ से और नेक्स्ट अप्रैल तक अगर आप अपने बच्चों को ज्यादा टोका टाकी ना करें, उनको पढ़ने के लिए ज्यादा ना बोलें, उनको ज्यादा कुछ किसी काम के लिए ज्यादा टोका टाकी ना करें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप थोड़ा सा उनको स्पेस दीजिए, आप उनको भी थोड़ा सा जो है समझने की कोशिश कीजिए। हर टाइम अगर आप जो है उनके ऊपर खड़े रहेंगे, सर के ऊपर, कि भाई ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। इसलिए थोड़ा सा अभी शांत रहने की जो है जरूरत है आपको। थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कीजिए, ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में मत फंसिए, सुनने की कोशिश कीजिए, सुनाने की कम करिए,
ठीक है, अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो क्या ये आपके लिए सही है? देखिए, मैंने बताया कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ये सही लगे, लेकिन कुछ लोग जो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि उनको दिखा सकें कि आप में भी दम है, आप भी बाजी को हार नहीं सकते हैं, ठीक है, जो आपने ठान लिया वो करके छोड़ेंगे, तो फिर जो है आपको थोड़ा सा और मेहनत लगानी है अपने ऊपर। अपने जो भी करियर में आप आगे बढ़िए, अच्छा करिए, अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए और इस पर्सन को थोड़ा सा सुधरने के लिए टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन बाद में बेटर हो जाएगी अगर मैं ऐसे करूंगा, तो आप ये सब कुछ कर सकते, क्योंकि ये पर्सन जो है और इसकी थर्ड पार्टी जो है, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो जो है आपके लिए एक गेम प्लान कर रही है, पॉलिटिक्स खेल रही है वो आपके साथ में। तो वो एक दो दिन में हो सकता है कि आपके सामने आ जाए, 2-4 दिन में, 10 दिन में, तो ध्यान करना आप, पहले उस पर्सन को परखना, तुरंत आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं। शायद आपने उनको कह दिया कि अभी आपके लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपके पर्सन फड़फड़ा रही हैं, थर्ड पार्टी जिनके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी फड़फड़ा रही है कि अब हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस कि ये पॉलिटिक्स खेलने की पूरे जो है प्लानिंग कर रहे हैं, और ये पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपको देना चाहते हैं। कुछ अभी थोड़ा बहुत 19-20 बाकी है, या तो आपके पर्सन की तरफ से, या उनकी फैमिली की तरफ से, या कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से कुछ कर्मा है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को कुछ सिखा रही है, पढ़ा रही है, और आपके साथ कुछ गेम खेल सकते हैं, पॉलिटिक्स चलने की कोशिश यहाँ पर मुझे फील हो रही है कि ये लोग जो हैं आपके आसपास के लोग हैं या उनके फैमिली के लोग हैं, ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ से आपके साथ चले आ रहे हैं, वो लोग जो हैं अभी आपके साथ में कोई गेम खेल सकते हैं, आपको पागल बता करके, आपको ही पागल बनाया जा सकता है, आपको ब्लेम किया जा सकता है कि आप तो पागल हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको ही बेवकूफ बना करके और आपको यूज किया जा सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। ये पर्सन बहुत फास्ट आपकी तरफ आ सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं गाइस, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि ये पर्सन जो है इसको कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ पैसे का धोंस दिखाएगा आपको, पैसे का धोंस दिखा करके और फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा ये, बाकी इसको कुछ नहीं करना है, बाकी इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो अपनी साइकिल थर्ड पार्टी में चलानी है, ठीक है, जो साइकिल आप लोगों की चल रही है, जैसी चल रही है उसको वैसे ही थर्ड पार्टी में कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास आता है, ये पर्सन चाहता है कि दोनों तरफ से मुझे वाह वाह ही मिलती रहे और मेरा मन करे वहां मैं घूमूं, मेरा मन करे वहां मैं आऊं, वहां मैं जाऊं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, इस तरह की जो है ये सिचुएशन मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे दोस्ती चाहती, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं, बाकी उनको वो वाला रिलेशनशिप नजर नहीं आता है कि जो एक हस्बैंड वाइफ का है, क्योंकि ये पर्सन कभी से भी आपको जो है हस्बैंड वाइफ की तरह देखता ही नहीं है, क्योंकि इस पर्सन का थर्ड पार्टी में शुरू से इन्वॉल्वमेंट रहा है आपकी शादी के पहले से, कुछ लोगों के तो, और कुछ लोगों की हो सकता है शादी के बाद से, लेकिन ज्यादातर मुझे शादी के पहले का ही कुछ फील हो रहा है कि ये पर्सन पहले से ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही गाइस कि आपको यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहता है। आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है कि अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करने की कोशिश कीजिए, अभी थोड़ा सा चीजों को जो है चल रहा है वैसे चलने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा उसमें इनिशिएटिव दिखाने की कोशिश ना करें, वैसे आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है, लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं इंटरेस्ट इसमें ले सकते हैं, दोनों तरह की सिचुएशन मैंने बताई है आपको रीडिंग में। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही गाइस की आपको पीस भी मिलेगी, हार्मनी मिलेगी, बैलेंस आपको करके चलना है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हैं, तो मुझे ऐसा यहाँ पर वाइब्स आ रही गाइस की कुछ लोग तो जो है पास्ट को पकड़ करके अभी भी दुखी हो रहे हैं, ये दोनों ही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि आपके दोनों ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन भी और आप भी जो पास्ट को लेकर के बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन बेटर नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताती है पहले उसकी सुनिए, अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं लेकिन उनसे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, आप कभी उदास भी हो सकती हैं, आप थोड़ा सा रो भी सकती हैं, लेकिन
आपको क्या करना है ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करना क्या है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही है गाइस की आपको जो काम आप कर रहे हैं या फिर आपकी इंट्यूशन करने के लिए बोल रही है उस पर कंटिन्यू रहिए, पूरी एनर्जी लगा दीजिए उसमें, पूरी पावर के साथ में आप आगे बढ़िए। आपको मेटेरियलिस्टिक गेन होगा, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रही हैं कि आपको जो है आपके पर्सन भी मिलेंगे, ठीक है, या फिर कोई पार्टनरशिप में आपके साथ में काम करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, तो आपको जो है वो भी मौका मिल सकता है, क्योंकि मैंने बीच में बताया था आपको, तो कोई बिजनेस डील भी आपके साथ में कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जिस भी काम में आप हाथ डालते हैं या जो भी आप सोच रहे हैं उसकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। दोनों पार्टनर को पास्ट को भुलाना पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर कुछ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो ये फिर से जो है ये जो हाथ बढ़ाएंगे आपके पर्सन, ये फिर से खींच सकती हैं, क्योंकि मुझे ऐसी यहाँ पर नौबत फील हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है अभी अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ उनकी ईगो भी आ रही है कि मुझे तो इसको खोना नहीं है, मुझे तो इसको लाना है अपनी लाइफ में। और मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि गाइस कि ये पर्सन फिर से कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, लेकिन आपको देखना है उसकी गतिविधियों पर नज़र रखना है कि ये पर्सन कर क्या रहा है। अगर ये पर्सन आपके पास आता है, बात करता है, तो आपको पहले से उसको सुनना है, तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा टाइम लेना है, ठीक है, आप जैसे चल रहे वैसे चलते रहिए। लेकिन अगर प्यार से आपको कोई ऑफर देना चाहता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप सिर्फ प्यार से ये कुछ नहीं करना चाहता है, कुछ डील रख रहा है कि भाई इसके बदले आपको ये करना पड़ेगा, इसके बदले आपको वो करना पड़ेगा, तो फिर आप जैसा डिसीजन लेना चाहे वैसा आप ले सकते हैं, ठीक है, आपके पास में दोनों चॉइसेस हैं, जैसा भी आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो अपनी छवि दिखाना चाहते हैं लोगों को, या फिर जो आप बनने के लिए कभी पहले से सोच रहे थे कि मुझे ये लाइफ में बनना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, वैसी ज़िंदगी चाहिए, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप खुद ब खुद अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में सब कुछ, ठीक है, फिर लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको सारी खुशी आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस और प्लानिंग के साथ में आप आगे बढ़िए, तब आपको सारी खुशी मिलेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस रिक्वायर्ड है। अगर मैं आपके पर्सन के साइन बताना चाहूँ तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर पाइसस कैंसर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, सारे ही साइन के हो सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसी वजह से सभी साइन वाले इसको देख सकते हैं। एनर्जी आपसे मैच होनी चाहिए, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, इससे क्या होगा कि एनर्जी एक्सचेंज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी। जितना आप इंटरेस्ट दिखाएंगे वीडियो में उतना ही आपकी एनर्जी को जो है वो कैच किया जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीडिंग्स रेजोनेट होंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें गाइस। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपसे रेजोनेट ही रेजोनेट, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।